वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है बहुत मिनिमल प्रोडक्ट यूज करके। बस 6 प्रोडक्ट्स मैंने यूज करके आज का ये लुक मैंने अचीव किया है। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा आज का वीडियो। और ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर और मामा अर्थ का काजल और वेट एंड वाइल्ड का ये है हाइलाइटर और मस्कारा और ये स्टे कॉर्गी का ये सेटिंग पाउडर है फ्रेंड्स, लूज पाउडर है। और मैंने यूज किया है लिपस्टिक्स। तो मैंने बस ये 6 प्रोडक्ट्स यूज करके मैंने ये आज का लुक अचीव किया है। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो माय ब्यूटीज, कैसे हो आप सब लोग? और यहाँ पे मैंने अपना स्किन प्रेप कर लिया है फेस वॉश करके। मैंने टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर लिया है अच्छे से और लिप को भी प्रेप कर लिया है। और 6 आइटम से आज हम लोग पूरा मेकअप करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये कंसीलर है फ्रेंड्स, और ये मेरा फेवरेट कंसीलर है स्विस ब्यूटी का। बहुत लोगों का एक्चुअली ये फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छा कवरेज देता है और ये मेरे स्किन टोन पे पूरा जाता है फ्रेंड्स, पूरा मेरा मैच हो जाता है मेरे स्किन टोन पे। और ये पैक का ब्यूटी ब्लेंडर है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और क्योंकि आज मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ करके हम लोग ये मेकअप क्रिएट कर रहे हैं, तो और प्रेपिंग तो मतलब मेकअप में जाता ही नहीं है ना, अगर आप मॉइस्चराइज करो तो मतलब मैंडेटरी है आपके फेस के लिए। और यहाँ पे मैं स्टे कॉर्गी का लूज पाउडर से अपना फेस को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा थोड़ा ना ग्लो पार्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके फेस को ना तो एक अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो देता है। और मैं ब्लश अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो इसी के लिए मैंने लिपस्टिक को ही अपना ब्लश बना लिया है। ये लैक्मे का है फ्रेंड्स, और ये मेरा पिंक पैशन इसका सेड नंबर है। बहुत प्यारा लिपस्टिक है फ्रेंड्स, पिंक सेड में है ये और मुझे बहुत पसंद है ये मेरा। वैसे भी मैं पिंक ज़्यादा लगाती हूँ, पिंक और पीच टोन में मैं ज़्यादा लगाती हूँ। तो बस वही है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लगा रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है ना फ्रेंड्स, ब्लेंड करने से ना आपका थोड़ा सा नेचुरल फिनिश होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा आवाज़ आज भी थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना। आई शेडो के लिए मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक को ही लगा दिया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मतलब लुक डिफरेंट कर देता है। मेरा फेस इतना स्वेलिंग है ना फ्रेंड्स, क्या करूँ। और जब से मेरा तबीयत ख़राब था ना फ्रेंड्स, उसके बाद ना आजकल ज़्यादा मेरा स्वेलिंग होके रहता है फेस भी बॉडी भी। तो बस वही है, फिर से मुझे चेकअप भी करवाना पड़ेगा। तो छोड़ो सब चीज़ें, तो होता रहता है यार, तबीयत तो ख़राब होता रहता है। यहाँ पे मैंने काजल अप्लाई किया है मामा का, ये आजकल मेरा मतलब रेगुलर यूज़ करती हूँ मैं, मुझे बहुत बहुत पसंद है। लॉन्ग लास्टिंग है फ्रेंड्स, स्मज फ्री है और कोल काजल है और बहुत अच्छा लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये काजल आप ज़रूर लेके देखना फ्रेंड्स, सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है ये काजल। और हम लोग क्योंकि आज हम लोग ज़्यादा आई मेकअप नहीं कर रहे हैं, तो लिपस्टिक को ही मैंने अपना आई शेडो बना लिया है। और यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा एक थोड़ा सा तो स्मोकी इफेक्ट चाहिए मुझे, क्योंकि मैं आईज़ में बिना काजल का तो मैं रहती ही नहीं हूँ फ्रेंड्स। और रेगुलर ऐसे मैं दिन में भी घर पर भी मैं लगा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा तो लगाती ही हूँ। और उसी को मैं ना एक फ्लैटर ब्रश से थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मतलब मैंने विंग नहीं बनाया यहाँ पे, कोई लाइनर हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन एक इफ़ेक्ट देने के लिए, विंगी इफेक्ट देने के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर देंगे। और उसी मतलब जहाँ पे हम लोग लगाए हैं ना, बस वहीं पे हम लोग थोड़ा सा स्मज करेंगे उसको। और ज़्यादा उसको फैलाना नहीं है, मतलब चारों तरफ नहीं करना है, स्मोकी आई नहीं करना है, लेकिन थोड़ा
सा ही उसका मतलब विंगी इफेक्ट आए, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो कंप्लीट होने के बाद लुक आई होप कि अच्छा दिखे। और यहाँ पे मैंने मस्कारा लिया है आईब्रोज बनाने के लिए, क्योंकि हमने कोई ब्रो पैलेट यूज़ नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया है मेबलिन का, ये द फॉल्स इज लेस लिफ्ट मस्कारा है। और ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है फ्रेंड्स। जब तक आप अच्छे से मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करोगे ना फ्रेंड्स, ये नहीं जाएगा आपके मतलब आईलेस से। और क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क है, तो मैं हल्के हाथों से ना एकदम धीरे धीरे ही अपने ब्रोज बना रही हूँ। और मुझे ज़्यादा मतलब वो बॉक्स वाला आजकल आईब्रोज मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो ऐसे ही मैंने नॉर्मल ही बना लिया, जैसे मेरा सेप है नेचुरल देने की कोशिश किया है। हाइलाइटर लेके थोड़ा सा अपने आईलिड पे लगा लिया है, और जो ब्रश से मैंने स्मज किया था तो सेम ब्रश को उल्टे तरफ, क्योंकि यहाँ पे टू साइडेड है, तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है। हाइलाइटर तो बनता है फ्रेंड्स, अब मतलब मैं कुछ भी छोड़ दूँ, मुझे ब्लश हाइलाइटर ये सब चीज़ें मेकअप में बहुत पसंद है। और काजल तो पसंद ही है, बिना काजल का तो मैं कहीं नहीं जाती। और हाइलाइटर लगाते ही ना आपका मतलब पूरा चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब गेम चेंज हो जाता, नहीं बोलते वैसे ही मेकअप का गेम चेंजर है ये हाइलाइटर। और मुझे थोड़ा सा ब्लश कम लगा था, तो थोड़ा सा और मैंने लिपस्टिक को लेके अपने गालों पे चीक्स पे थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, और यहाँ पे मेरा फाइनल लुक हो गया है। मस्कारा अप्लाई करना भूल गई थी, तो अभी मस्कारा भी थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। तो बस यही था, इतना ही था मेरा मेकअप लुक, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ये था मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। इजी लुक है, बहुत इजी टू क्रिएट लुक है, और आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये मेकअप वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आगे चल के मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।